नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें एमपी न्यूज़कास्ट के साथ। नमस्कार। 18-19 तारीख की रात्रि में करीब 12 से 1 के मध्य माधव नगर थाना अंतर्गत रहने वाले प्रार्थी भरत बिनवानी के 4 लड़कों ने, जो कि अज्ञात थे, सिविल ड्रेस में, खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी होकर बताकर उन्होंने उसके घर में प्रवेश किया और फिर उसके घर में थोड़ी बहुत हल्की लड़ाई झगड़े करके 2 लैपटॉप और कुछ मोबाइल और 49,000 रुपीज़ एक अन्य खाते में फ़ोनपे के माध्यम से उन्होंने जबरन ट्रांसफ़र करवाए। और 19 तारीख को, जिस दिन हमारे यहाँ चुनाव था, प्रार्थी के द्वारा लिखित में इस आशय की सूचना थाना माधव नगर में प्रेषित की गई और पुनः यह जानकारी हमारे संज्ञान में आने के बाद हमने टीम बना करके इस घटना की छानबीन पड़ताल और अपराधियों के धरपकड़ के लिए लगातार त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया। और इस क्रम में हमने जबलपुर से 5 लड़कों को पहले हिरासत में लिया, हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की और उनके द्वारा ये घटना कारित किया जाना स्वीकारोक्ति उनके द्वारा की गई है। साथ ही साथ इस पूरे प्रक्रम में हमारी डिजिटल फॉरेंसिक की जो जानकारियाँ होती हैं, जो उसके एनालिटिकल डाटा है हमारे पास, और साथ ही सीसीटीवी कैमरे के भी माध्यम से मामले के सफलतापूर्वक खुलासे में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे कार्रवाई में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है और पूरे माल मसरूका को और सभी अपराधियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। क्या पूर्व में भी इन लोगों के ऊपर कोई अपराध है? अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसी कोई आपराधिक घटना के पूर्व रिकॉर्ड इनके प्राप्त नहीं हुए, यद्यपि हम लोग इस दिशा में लगातार छानबीन कर रहे हैं। लूट की सर वजह क्या रही? सट्टा की बातें सामने आ रही है। देखिए, अभी जो प्राथमिक रूप से पता चला है कि ये जो लड़के हैं, ये क्रिकेट सट्टा के गुड़गे हैं, क्रिकेट सट्टा खिलाने वालों के गुड़गे हैं, ये क्रिकेट सट्टा खिलाते रहे और इसी क्रम में इनको ऐसा लगा कि एक ईजी टारगेट बना करके हम लोग जो है भरत बिरवानी को के घर पे हम लोग अटैक कर सकते हैं या उससे कुछ माल मशरू का जो हम लोग छीन सकते हैं। क्या किस लिए सर इन लोगों ने ऐसा बताया गया इनके द्वारा कि हम लोग क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं और हम लोग क्राइम ब्रांच के अधिकारी होने के नाते आपके घर पर छानबीन कर रहे हैं, ये बता करके अपराधी इनके घर में प्रवेश किए। सर ये भी कहाँ गए? सर सभी आरोपी जबलपुर के रहने वाले हैं। सर ये अपराध जगत में किस कारण से प्रवेश किए कुछ इन्होंने बताया? अभी तक जो सूचनाएं और इनसे पूछताछ करके जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, पता चला है कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये सभी सट्टा खिलाने वाले गुर्गे हैं और ऐसे काम, ऐसे गलत काम करने वाले लोग अक्सर उधार में और कर्ज में डूबे रहते हैं। साथ ही एक बार जब व्यक्ति अपराध जगत में कदम रख देता है तो ये दलदल की भांति है, लगातार नित नए आपराधिक कृत्य में वो शामिल होता जाता है। ये सभी नौजवान लड़के हैं, 20-22 साल के हैं, तो इस तरह से ये अपराध की दलदल में फंसते जा रहे हैं। सर पुलिस में लूट की कार्रवाई करी कि डकैती? देखिए।